नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। तो कल हम लोगों ने ये देखा था कि अस्तित्व सहअस्तित्व है, प्रकृति शून्य में संपृक्त है और जो प्रकृति है वो इकाई समूह है। इकाइयों को अगर देखते हैं दिखता है कि वो आकार में सीमित है, स्वयं में क्रिया है और दूसरी इकाइयों के साथ क्रियाशील है। शून्य को देखने पर दिखता है कि शून्य असीम है, व्यापक है और क्रिया शून्य है। इकाइयां दो प्रकार से हैं, जड़ और चैतन्य। जड़ इकाइयों में पहचानना और निर्वाह करने की क्रिया हो रही है, चैतन्य इकाइयों में जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, ये चारों तरह की क्रियाएं हो रही हैं। तो जड़ इकाइयों को अनित्य कहा क्योंकि वो आकार में सीमित है और काल में भी सीमित है। चैतन्य इकाइयों को निरंतर कहा क्योंकि आकार में तो सीमित है परंतु काल में अबाध है, असीम है। और शून्य को देखते हैं दिखता है कि वो काल में भी असीम है और आकार में भी असीम है, तो उसको नित्य कहा। इतनी बात हम लोगों ने कल की थी। असाइनमेंट के रूप में ये लिया था कि मैं अपने सुख के साथ इस वास्तविकता को कैसे जोड़कर देखता हूँ। मैं निरंतर सुखपूर्वक जीने की स्थिति में इन प्रस्तावों का क्या रेलिवेंस, क्या रोल देख पाता हूँ। तो इसको हमको स्वयं में ऑब्जर्व करना था कि ये प्रस्ताव मेरे सुख से कैसे जुड़ा हुआ है, इस चीज को मैं देख पाता हूँ कि नहीं। इसी को और बारीकी से और फैला के देखते हैं तो इतनी बातें दिखाई देती हैं। तो जो प्रकृति है वो इकाई समूह है जो शून्य में संपृक्त है और इसी प्रकार पूरा अस्तित्व है। अस्तित्व बराबर सहअस्तित्व है, वो सहअस्तित्व का अर्थ इतना ही है कि प्रकृति शून्य में संपृक्त है। इसी को एक शब्द में देखते हैं तो दिखता है कि सहअस्तित्व है। हर काई को देखते हैं तो दिखता है कि आकार में सीमित है, स्वयं में क्रिया है, जबकि शून्य आकार में असीम है, क्रिया शून्य है। इकाइयों के बारे में तीन और चीजें दिखाई देती हैं कि शून्य में बने रहते हुए हर इकाई ऊर्जित है, नियंत्रित है और परस्परता को पहचानती है, निर्वाह करती है। तो किसी भी इकाई को देखेंगे तो दिखता है कि उसमें ऊर्जा है। जैसे मैं, आप, हम सभी ऊर्जित है, हमारे अंदर ऊर्जा है। उसी ऊर्जा के साथ हम विचार कर रहे हैं, उसी ऊर्जा के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, उसी ऊर्जा के साथ हम समझने का काम कर रहे हैं। जड़ इकाई जैसे शरीर को देखेंगे तो शरीर में भी ऊर्जा है, तो हर इकाई ऊर्जित है। आसपास की भौतिक रासायनिक वस्तुओं को देखें तो उसमें भी ऊर्जा है, हवा में ऊर्जा है, पानी में ऊर्जा है, मिट्टी में ऊर्जा है, पेड़ पौधे में ऊर्जा है, हर इकाई ऊर्जित है। किस प्रकार ऊर्जित है, कैसे मैं ऊर्जित रहता हूँ, कैसे शरीर ऊर्जित रहता है, कैसे ये प्रकृति की अन्य इकाइयां ऊर्जित रहती हैं, तो दिखता है शून्य बने रहते हुए ऊर्जित है। हर इकाई स्वनियंत्रित है। तो जैसे अगर हम अपने आप को देखें तो दिखता है कि मैं स्वनियंत्रित हूँ। मैं जैसे ही कोई अपने अंदर विरोध का भाव लाता हूँ, विरोध का विचार लाता हूँ, मैं दुखी होता हूँ। संबंध का भाव रखता हूँ, संबंध का विचार करता हूँ, मैं सुखी होता हूँ। तो ये नियंत्रण उपलब्ध है शून्य बने रहते हुए और मैं इस प्रकार नियंत्रित हूं। शरीर को देखें तो शरीर भी नियंत्रित है, शरीर का हर अंग प्रत्यंग नियंत्रित है, एक निश्चित प्रकार से आचरण कर रहा है। रात को हमने सोने का निर्णय लिया, बेड पे गए और शरीर सो गया और शरीर में सारी क्रिया चल रही है, साफ कर लिया, हृदय धड़क रहा है, भोजन पच रहा है, रक्त दौड़ रहा है, धमनियां काम कर रही है, आर्टरीज एंड वेंस सभी काम कर रहे हैं। तो इतना एक शरीर भी स्वनियंत्रित है कि नहीं। आसपास की चीजों को देखें, बिल्डिंग है, पेड़ है, गाड़ियां है, ये सब भी नियंत्रित है, शून्य में बने रहते हुए नियंत्रित है। और शून्य में बने रहते हुए ही इकाइयां इकाइयों के साथ परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है। तो मैं और आप संबंधित है, हम सभी जूम के माध्यम से जुड़े हैं, ठीक, परंतु संबंध हमारा है ही। जूम के माध्यम से हम संवाद कर ले रहे हैं पर संबंध हमारा बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, किस प्रकार बना हुआ है, इस संबंध का आधार क्या है, कैसे मानव मानव संबंध बना हुआ है, मानव शेष प्रकृति संबंध बना हुआ है। शेष प्रकृति इकाइयां भी आपस में संबंधित है, पेड़ मिट्टी हवा पानी से संबंधित है, पेड़ पशु पक्षी से संबंधित है, पशु पक्षी शेष इकाइयों से संबंधित है,
सारी इकाइयां मुझसे संबंधित है, मैं इनसे संबंधित हूं। इस संबंध का आधार क्या है? तो जब हम उसके आधार को उस स्तर पे जाकर देखते हैं शुद्ध दृष्टा के रूप में, तो देखता है कि शून्य बने रहते हुए ही इकाइयां संबंधित है, वस्तुतः को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है। इन तीन बातों को जोड़ ले कि हर इकाई नियंत्रित है, ऊर्जित है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, तो इसको संपृक्त कहा। नमस्ते भैया जी। नमस्ते भैया, जो प्रपोजल ये रखा, जो सामने हम बात कर रहे हैं कि हर यूनिट अपने में नियंत्रित है, ऊर्जित है और क्रियाशील है और परस्परता में संबंध को पहचानती है, निर्वाह करती है, इसमें भैया कुछ चीजें तो समय अब हमें खुद को रियलाइज होती है, समझ में आती है या महसूस कर पाते हैं, या जैसे हम अस्तित्व की बात कर रहे हैं तो ये व्यापक है, कोई एक्टिविटी नहीं है और सब यूनिट्स उसमें संपृक्त हैं, लेकिन ये सब जो है इस प्रपोजल को जब हम लेते हैं समझते हैं तो संबंध या विरोध का भाव है या व्यवस्था या व्यवस्था का भाव है या सह अस्तित्व या संघर्ष का भाव है, तो ये भाव भी हमारे अंदर दिखते हैं और विरोध का भाव होता है तो हम दुखी होते हैं, संबंध का भाव होता है तो हम सुखी होते हैं, व्यवस्था का भाव है तो हम सुखी होते हैं, अव्यवस्था में हम दुखी होते हैं, ये भी हम देख पाते हैं, लेकिन जो अस्तित्व का जो हम एज अ प्रपोजल जो हम रख रहे हैं इसको हम जैसे शून्य है तो हम शून्य को महसूस कैसे कर पाए, क्योंकि एज अ प्रपोजल हम इसको मानकर चल रहे हैं, मान के चलने से भी हमारे जीवन में सुखी हो रहे हैं, ये तो समझ में आता है यहाँ तक तो, लेकिन शून्य को हम अनुभव कैसे करें, या जैसे भी आपने बोला कि सेल्फ का आकार आकार है तो सेल्फ महसूस होता है कि इस तरह की एक्टिविटी हमारे अंदर चल रही है, लेकिन शरीर का जैसे आकार हमें स्पष्ट दिखता है वैसे सेल्फ का आकार नहीं दिखता है, या स्पेस में कोई एक्टिविटी नहीं है, ये भी हम एक मान्यता से शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, इसको हम अनुभव कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा सा काफी मतलब वर्कआउट करने के बाद भी एज अ प्रपोजल तो इसके इफेक्ट तो अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, मैं सुखी होता हूँ, शांति होती है, लेकिन शून्य महसूस नहीं होता है या शून्य को हम अनुभव नहीं कर पाते, इसके लिए क्या ये प्रोसेस से ही ये चीजें होगी, क्योंकि अभी तो ये मान्यता की तरह ही है, आप जो भी यूएच में प्रपोजल रखा गया है उसी को मान के हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा इस पे और कुछ आप प्रकाश डाल सकें, समझा सकें तो शायद कुछ लाभ समझ में आएगा। जी, तो ये जो पहले मैंने आपसे प्रश्न किया ना कि अपने सुख के साथ आप शून्य के ज्ञान का क्या महत्व देखते हैं, क्या उसका रोल देखते हैं, तो अभी हो सकता है हम नहीं देखते हैं, हमको लगता नहीं है कि सुखी होने के लिए शून्य को देखना भी जरूरी है, हमको सुखी होने के लिए शरीर के लिए सुविधा की पूर्ति जरूरी है ना, संबंधों का निर्वाह जरूरी है और भी कुछ चीजें जरूरी है, तो हमको शून्य को देखने का महत्व नहीं दिखता, शून्य को देखने पर ध्यान इसलिए नहीं जाता क्योंकि हमको उसका रेलिवेंस नहीं दिखाई देता, अगर रेलिवेंस दिखाई देगा तो ठीक दिखाई देगा। अभी जिसको आप महसूस करना कह रहे हैं तो शून्य तो क्रिया शून्य है, तो जैसे अभी हम हवा को महसूस करते हैं, ताप को महसूस करते हैं, गर्मी सर्दी वैसे महसूस तो नहीं करेंगे क्योंकि वो आस्वादन की वस्तु है नहीं, तो अभी जिसे हम महसूस करना कहते हैं उसमें हम आस्वादन करते हैं, शरीर से मिलने वाली संवेदना का या किसी भाव का आस्वादन करते हैं, ठीक है ना, और जो आस्वादन करते हैं क्रियाओं का करते हैं, शून्य क्रिया शून्य है, तो ये महसूस करने की वस्तु नहीं है। अभी आपने कहा अनुभव कैसे करें, अगर अनुभव सही शब्द में प्रयोग कर रहे हैं तो ठीक बात है, ये अनुभव की वस्तु है, कई बार हम अनुभव शब्द का प्रयोग एक्सपीरियंस के लिए भी करते हैं, एक्सपीरियंस की वस्तु नहीं है, रियलाइजेशन की वस्तु है। तो अभी थोड़ा सा अगर हमारे द्वारा जिज्ञासा बढ़े, जैसे आप कहते हैं कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, है ना, मैं आपसे पूछूं क्यों होना चाहते हैं, ऐसा क्यों है कि आप सुखी होना चाहते हैं, क्या उत्तर मिलेगा? कहीं के हमारी जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है उसी की बनी हुई रहती है, तो जैसे ही दुखी होते हैं या विरोध में जाते हैं जी, तो हमें हमें ऐसा ही क्यों है कि आगे हम जाते हैं तो कुछ प्रश्न के उत्तर नहीं समझ दिखाई मतलब स्पष्ट नहीं होते हैं। हाँ, तो नेचुरल एक्सेप्टेंस आपका ऐसा ही क्यों है कि आप सुखी होना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं, क्यों ऐसा ही कैसे है?
अनुभव की भी बात कर रहा हूँ तो इस रियलाइजेशन की ही बात कर रहा हूँ, और क्योंकि थोड़ा सा जैसे इस प्रपोजल में भी कहीं ऐसा आया था कि दो विधियां हैं, अनुभव मूलक और अनुभव गामी। तो मेरे को थोड़ा अभी वहां नहीं जाते, अभी तो बात हमने रखी नहीं है, है ना। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप सुखी होना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं, क्यों है ऐसा? मतलब अंदर ही भाव है ऐसे। हाँ, क्यों ऐसा है? तो ये कहीं कहीं जो हम इस प्रपोजल को रख रहे हैं उससे कनेक्ट होता है कि ये स्पेस का या शून्य का डिजाइन है इस तरह का। स्पेस का कोई डिजाइन तो नहीं है ना, बट इसको आप अपने आप में एड्रेस करते हैं। तो अभी हम वहां रुक जाते हैं कि मेरी सहस्वीकृति है कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, और उससे आगे फिर हम उसके लिए योजना कार्यक्रम बनाते हैं। मेरी सहस्वीकृति है कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, फिर उसके आगे कार्यक्रम बनाते हैं। बट मेरी सहस्वीकृति ऐसी ही क्यों है? इसको अगर आप, ये प्रश्न जब आपके अंदर तैयार होता है तो आप उसके आधार को देखने जाते हैं कि ये सहस्वीकृति होती क्या है, ये सहस्वीकृति कैसे इसी प्रकार है कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, सुखी करना चाहता हूँ। तो ये प्रश्न अभी हमारे अंदर नहीं बनते। अभी हमारा पहले हो सकता था कि सुविधाओं से ही काम चल जाता था, हम माने हुए थे कि हाँ भाई जीने में सुख दुख लगा रहता है, ठीक। फिर उसके बाद जब इन मुद्दों पर बात हुई तो सहस्वीकृति पर ध्यान गया, फिर अभी हमारा उतने से भी काम चल जा रहा है कि हाँ मैं सुखी होना चाहता हूँ, सहज से स्वीकार है, मैं सुखी करना चाहता हूँ, सहज से स्वीकार है कि नहीं। बट ऐसा ही क्यों है, ऐसा ही कैसे है, इसका आधार क्या है? अगर इस तरह के प्रश्नों के और उत्तर हम लेने जाए तो उसके आधार को फिर देखना बनता है ना। जिसको अभी हम सुख कह रहे हैं, हारमोनी, हम कह रहे हैं पूरा नेचर हारमोनी में, कैसे है, क्यों ये नेचर हारमोनी में है, डिसहारमोनी में नहीं है? क्यों एक एक इकाई जो है हारमोनियसली पार्टिसिपेट कर रही है, क्यों है ऐसा? क्यों मेरा शरीर एक निश्चित प्रकार से क्रियाशील है? क्यों आसपास की वस्तुएं एक निश्चित आचरण को प्रस्तुत करती हैं? ऐसा क्यों है, इसका आधार क्या है? ये जब इस तरह के प्रश्न आपको रेलिवेंट हो जाते हैं तो वहां जिज्ञासा बनती है, फिर अनुभव के लिए हमारी तैयारी होती है। यहाँ इसको देख लिया जाए, इसका आधार क्या है, इसको देख लिया जाए। अगर इसको नहीं देखते हैं तो फिर अगर हम जीने की बात करें, अगर इस बात को हम ना देख पाए तो फिर जो घटनाएं हमारे सामने आती हैं, कभी हमारा बहुत लॉस हो गया, कभी प्रकृति में है ना या परिवार में कोई ऐसी घटना हो गई जो हमारे दुखद हो गया, कोई आसपास प्रकृति में कोई ऐसी घटना हो गई जो हमें नहीं समझ में आया, तो हम वहां फिर अपने ढंग से कुछ ना कुछ मान्यता लाकर अपने आप को तृप्त करने का प्रयास करते हैं, है ना। और फिर बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं और वो फिर हमारे अंदर एक मान्यता का रूप लेती है, और फिर वो अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग लोगों में अलग अलग ढंग से मान्यताएं काम करने लगती है। तो अल्टीमेटली जीना तो हमें है ही, है ना, सभी के साथ जीना है, जीने के लिए समझना है, बट समझना अभी पूरा नहीं हुआ है। तो जब सामने से कोई घटना आती है और वो समझ में नहीं आता तो फिर हम रहस्य में चले जाते हैं। तो मृत्यु हुई, सामने से दिखाई दिया, उसके बाद सेल्फ का क्या हुआ, नहीं समझ में आता क्योंकि आंखों से दिखा नहीं, तो सेल्फ को समझना बनता है। सेल्फ की नियति क्या है ये भी समझना बनता है, कैसे मैं शरीर लेता हूँ, शरीर छोड़ने के बाद मेरा क्या होता है, अब ये सब हमारे रहस्य, हम किताब में कुछ पढ़कर अपना काम चला लेते हैं, परंतु हमारे रहस्य बना रहता है क्योंकि रहस्य उसका भय बना रहता है। उतने भय के साथ हम जीते ही रहते हैं, तो हमारे अंदर मृत्यु का भय बना ही रहता है, संबंधों का भय बना ही रहता है, आसपास अव्यवस्था कभी भी फैल सकती है, उसका भय बना ही रहता है, क्योंकि हमारे अंदर अपने होने के प्रति, संबंध के प्रति, व्यवस्था के प्रति आश्वस्ति नहीं है गहरे में। और फिर जो भय बना रहता है तो हम उसके लिए कोई ना कोई कर्ता कारक चुन लेते हैं और उसके अनुसार अपना पूरा विचार में डिजाइन बना लेते हैं। बेहतर उसको समझ ले, जी ले, देख ले उसको। अभी देखने को भी हम आस्वादन मानते हैं कि आंखों से दिखा तो दिखा, अदरवाइज क्या दिखा, तो मैं तो आंखों से दिखा नहीं तो है कि नहीं पता नहीं, शून्य भी आंखों से नहीं दिख रहा तो है कि नहीं पता नहीं। अब मजे की बात है कि जिसको हम आस्वादन कर रहे हैं वो तो कुछ बड़ी इकाइयां हैं जिनका हम आस्वादन करते हैं, उसके साथ कुछ विश्लेषण करके काम चला लेते हैं। जैसे आदमी को देखते हैं तो सामने का हिस्सा दिखता है, पीछे का हिस्सा ऐसा ही होगा ना, क्योंकि पहले कोई पीछे का देखा है तो आगे का हिस्सा से जोड़ लेते हैं,
विश्लेषण करके उसको रूप का जो आस्वादन है उसको हम पूरा कर लेते हैं। चूल्हे पे हमने दूध चढ़ाया है, फुल आंच पे दूध रख दिया है तो दूध उबल जाएगा, ये हमारे आस्वादन में है। तो हम विश्लेषण कर लेते हैं कि भाई दूध को उबालने के लिए इतनी आंच ठीक है, तो इतने तक भी हम चले जाते हैं। तो हम रूप का आस्वादन कर लेते हैं और रूप में जो परिवर्तन हो रहे होते हैं उससे गुण के बारे में हम कुछ विचार कर लेते हैं, ठीक, और उससे हम अपना काम चलाते रहते हैं। बट दूध उबलता क्यों है, दूध जैसा है वैसा ही क्यों है, दूध गैस से जुड़ा हुआ कैसे है, दूध आग से जुड़ा हुआ कैसे है, तो पतीला कैसे जुड़ा हुआ है, इसका आधार क्या है संबंध का, अब ये सब हमें नहीं दिखता क्योंकि आंखों से दिखता नहीं है ये। तो उसको हम फिर अपने हिसाब से विचार करके कुछ ना कुछ आर्टिकुलेट कर लेते हैं, बट मूलतः मुद्दा क्या है वो हमको नहीं दिखता। तो अभी हम आस्वादन करके और उसके आधार पर विचार करके जीने के अभ्यास थे, देखने का जिसको हम ट्रू सेंस में देखना कहें उसका हमारा अभ्यास ही नहीं है। उसमें हम लोग बात करेंगे कि देखने की वस्तु क्या है। तो चूंकि वो देखने का अभ्यास नहीं है इसलिए ये सब हमको या तो बेमायने लगता है या रहस्य लगता है। ये शून्य को क्या देखें भाई, है ना, हमारा तो अपना रोजमर्रा का जिंदगी है, दिनचर्या है, उसमें लगे रहेंगे, पूरा करते रहेंगे, यही लाइफ है, हम ऐसा मान लेते हैं। बट जब एक पॉइंट पे आता है कि अगर हम अपने साथ होते हैं, ठीक, और बहुत सारी चीजों का हम आकलन करने जाते हैं और अपने अंदर क्यों प्रश्न तैयार होते हैं, है ना, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, ऐसा संबंध में क्यों होता है, प्रकृति ऐसी क्यों है, जो वस्तु जैसी है वैसी ही क्यों है, ठीक, हमारा शरीर का बनावट ऐसा ही क्यों है, पेड़ पौधे का बनावट ऐसे ही क्यों है, इसका आधार क्या है। तो इस तरह के प्रश्न, मौलिक प्रश्न तैयार होते हैं तो दिख जाता है, क्योंकि शून्य तो उपलब्ध है, नित्य है, हमेशा से था है और रहेगा, तो हर क्षण हमारे, है ना, वो उपलब्ध है। जब इस तरह के प्रश्न तैयार होते हैं तो हमारे अंदर इसको देखने की प्रवृत्ति बनती है, जिज्ञासा बनती है, हम देख पाते हैं। उससे पहले जिज्ञासा नहीं बनती, नहीं देख पाते। अभी सेल को भी देखने की जिज्ञासा नहीं बने, नहीं दिखता है। तो अभी हो सकता है कि हमारे जीने के अंदर में सुविधा ही है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, थोड़ा और आगे बढ़े तो शरीर है, कितने भर से काम चल जा रहा है, तो शरीर का ठीक से रख रखाव हो गया, है ना, परिवार के लिए काम भर की सुविधाएं हमने जुटा ली, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, परिवार बढ़िया चल रहा है, लाइफ अच्छी चल रही है। फिर जब संबंधों में समस्याएं लगती हैं तो फिर प्रश्न हमारे अंदर कौन से हैं कि अगला व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहता है, तो फिर हम संबंध पे जांच परख शुरू करते हैं, है ना, फिर प्रकृति को भी लेकर जांच परख शुरू करते हैं, शरीर को अगर लेकर कोई प्रश्न तैयार हो जाए, पेड़ पौधों को लेकर, पशु पक्षी को लेकर प्रश्न तैयार, उसको भी जांचना शुरू करते हैं। बट जब तक दिख ना जाए तब तक हम कुछ मान के ही चलते रहते हैं। ये प्रश्न हमारे और गहरे हो जाए तो उसको देख लेंगे, क्योंकि उपलब्ध है कि नहीं। अच्छा भैया, बात तो ये समझ में आती भैया, लेकिन जिज्ञासा भी बनती है, जिस तरह के प्रश्न आपने अभी बनाए ये बनते भी हैं, इतनी स्पष्टता से नहीं बन पा रहे थे, लेकिन अभी आपने बताया तो ध्यान गया पूरा कि ये प्रश्न है, लेकिन जिसको आप देखना कह रहे हैं तो ये जो हम अभ्यास में कर रहे हैं बस इसको करते करते दिख जाएगा या और कुछ है, ये स्पष्ट नहीं होता भैया कि दिखना आप जो कह रहे हैं या दृष्टापथ से देखना कह रहे हैं, ये सब थोड़ा सा दृष्टापथ भी हम कल्पना कर सकते हैं लेकिन ऐसे देख नहीं पा रहे हैं, ये बात कहना चाह रहा हूँ भैया। तो और अभ्यास में भी, जैसे हमने अभ्यास में भी लिया तो बाकी सब स्टेप्स क्लियर होती हैं, लेकिन मैं और शरीर के बीच दूरी है वो हम संवेदना से संवेदना को देखते हैं, उसके थ्रू हम जो इंफॉर्मेशन हो रही वो भी देख पाते हैं, लेकिन उसके आकार को नहीं देख पाते हैं या दूरी है वो नहीं देख पाते हैं पूरी तरह से। तो उसको जो जिसको आप देखना कह रहे हैं कहीं कहीं उन सब से कनेक्टेड है, तो या तो वही है जो आप कह रहे हैं, समझ में ये आ रहा है कि इस जितना हमारा इंटेंस क्वेश्चंस बनेंगे, देखने के पे ध्यान जाएगा, वो हमारी प्रायोरिटी में आएगा, तो शायद इस प्रोसेस को करते करते हमें ये सब चीजें दिखाई देने लगेगी। हाँ ठीक बात। देखिए अभी क्या होता है, सत्र चल रहा है, सामने डायग्राम अस्तित्व का, तो हमारे अंदर अब ये प्रश्न तैयार हो रहे हैं। सत्र पूरा होता है हमारी प्रायोरिटीज बदल जाती है, जैसे भी आप देखें तो हम दिन भर किन चीजों में व्यस्त हैं, कल हमने दिन भर में कहाँ समय लगाया, तो आप पाएंगे हमारी बहुत सी प्रायोरिटी बनी है जीने के स्तर पर, शरीर को लेकर, सुविधा को लेकर और उनके साथ संबंधों के निर्वाह को लेकर, हम उसी में व्यस्त हो जाते हैं। तो अभी हमारी प्रायोरिटी नहीं बनी है, जब इस तरह
मुद्दे सामने आते हैं तो जरूर हम विचार पूर्वक कुछ प्रश्न खड़े करते हैं, परंतु अपने आप में अगर देखें, इसको देखने की प्रवृत्ति नहीं बनी है, प्रायोरिटी नहीं बनी है, नहीं दिखता है। इस दिन बन जाएगी, दिख जाएगा, ये अभ्यास करते करते दिख जाएगा, बिना अभ्यास के दिख जाएगा, अल्टीमेटली आप देखने वाले हैं। ठीक, तो आपके अंदर जिस क्षण वो जिज्ञासा बन जाएगी, दिख जाएगा। थैंक यू भैया, थैंक यू जी। एक कहानी है कि एक व्यक्ति है, वो कह रहा था कि तपस्या कर रहा था, तो नारद जी बगल से गुजरे, उन्होंने बोला कि क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं तपस्या कर रहा हूँ। किस बात की तपस्या कर रहे हो? तो मुझे ईश्वर को देखना है। तो नारद जी ने कहा तो बहुत सिंपल है, चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तो चलिए, बड़े उत्साह में गया कि नारद जी उसको एक नदी किनारे ले गए, फिर नदी के पानी में उतारा और फिर कहा उसमें डुबकी लगाओ। उसने डुबकी लगाई, जब डुबकी लगाई तो उन्होंने उसके सर को पानी में ही रोक लिया, ऊपर नहीं आने दिया। तो काफी देर तक छटपटाता रहा, तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने सर उठाया, नारद जी ने अलाउ किया, ऐसा कहानी है। तो नारद जी ने पूछा कि क्या लगता है तुमको, जब तक तुम्हारा सर पानी में डूबा हुआ था तुम्हें ईश्वर को देखने की इच्छा हुई? तो उसने कहा ईश्वर को देखने की इच्छा कहाँ से होती, मैं तो अपने प्राण बचाने में लगा हुआ था, और आप भी अजीब व्यक्ति हैं, है ना, ले आए मुझे पानी में डुबो दिया, आप तो कहते ईश्वर को दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जब इस तरह की इच्छा तुम्हारे अंदर ईश्वर को देखने की हो जाएगी तो दिख जाएगा। तो अभी हमारे लिए कई सारे और प्रायोरिटीज है, तो नहीं दिखता कि नहीं जी। बढ़िया, तो इकाइयों को देखें तो दो प्रकार से हैं, जड़ इकाइयां और चैतन्य इकाइयां। जड़ इकाइयों को देखें तो अनित्य है, टेम्पररी है, चैतन्य इकाइयां निरंतर है। जड़ इकाइयों में पहचानना निर्वाह करना है, चैतन्य इकाइयों में जानना मानना पहचानना निर्वाह करना है। जड़ इकाइयों को देखें तो दो अवस्थाओं में दिखाई देती है, पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था। पदार्थ अवस्था की जो सबसे छोटी इकाई है, जो स्वयं में व्यवस्थित है, वो परमाणु है। परमाणु परमाणु से मिलकर अणु बनाते हैं, अणु अणु से मिलकर अणु रचनाएं बनाती हैं। तो ये बहुत सारी जो चीजें हम आंखों से भी आस्वादन कर रहे हैं, है ना, पदार्थ के रूप में, तो ये अणु रचनाएं हैं। अब ये दो प्रकार से दिखाई देती हैं, पिंड के रूप में और रस के रूप में। तो पिंड जिसका आकार बना हुआ, जैसे हमने एक बिल्डिंग बनाई वो एक पिंड है, हमने कोई फर्नीचर बनाया वो एक पिंड है, पहाड़ है वो एक पिंड है कि नहीं। फ्लूइड रस मतलब जो बहता है, जैसे हवा है, पानी है, तो रस है। अब ये रस जो है आपस में रचना विरचना करके कोशिका बनाते हैं। ये जो कोशिका है ये प्राणावस्था की सबसे छोटी इकाई है। जैसे आप देखेंगे कि अगर पानी को आप छोड़ दें बहुत दिनों तक खुले में, उसके बाद काई बन जाती है। काई मतलब जो एल्गी होता है। तो काई को देखें तो प्राणावस्था की इकाई है ना, रस से तैयार हो गया। इसी तरह से प्राणावस्था की जो इकाइयां हैं, जो प्राण कोशाएं हैं, वो आपस में एक प्रकार से रचित होकर पेड़ पौधे बनाते हैं, दूसरे प्रकार से रचित होकर जीव शरीर बनाते हैं, तीसरे प्रकार से रचित होकर मानव शरीर बनाते हैं। तो अगर हम पेड़ पौधों को देखें, पशु शरीर को देखें, अपने शरीर को देखें, ये सब प्राणावस्था की इकाइयां हैं। तो पशु का शरीर जब चैतन्य इकाई के अस्तित्व में होता है तो जीवावस्था तैयार होती है। तो पशु पक्षी को देखें तो एक मैं और शरीर कैसे अस्तित्व के रूप में है, वैसे ही मानव शरीर के साथ एक चैतन्य इकाई अस्तित्व में होती है तो ज्ञानावस्था तैयार होती है। तो हम सभी ज्ञानावस्था में, और हमें ज्ञानावस्था का, क्योंकि तो ज्ञान हमारी मौलिक आवश्यकता है। हमारे अंदर ऐसे प्रश्न है ना, जिस प्रश्न के समाधान के लिए भी हम सभी आपस में संवाद कर रहे हैं। तो ज्ञान हमारी एक मौलिक आवश्यकता है। ये पूरा हो जाए, ज्ञान पूरा हो जाए, हमारे अंदर सही समझ, सही भाव, सही विचार सुनिश्चित हो जाए, तो हमारी क्रियाएं पूर्ण होती हैं, है ना। इस ज्ञान के आधार पर मेरा व्यवहार ठीक हो जाए, कार्य ठीक हो जाए, परस्परता में भागीदारी ठीक हो जाए, मैं अखंड समाज में सार्वभौम व्यवस्था में भागीदार हो जाऊं, मानवीय परंपरा भागीदार हो जाऊं, तो मेरा आचरण पूर्ण होता है।
मेरे ज्ञान पूर्ण होने के आधार पर मेरा आचरण पूर्ण होता है, और ये परिमार्जन है, ये एक हमेशा के लिए होने वाला परिवर्तन है, ऐसा परिवर्तन जो वापस लौट नहीं सकता। एक बार हमारे अंदर विश्वास का भाव स्थापित हो गया, बना रहेगा, सम्मान का भाव स्थापित हो गया, बना रहेगा, एक बार मैंने स्वयं को देख लिया, समझ लिया, स्थापित हो गया, बना रहेगा, शून्य को हमने देख लिया, स्थापित हो गया, बना रहेगा। तो यही मेरा विकास है कि जो वस्तु जैसी है उसको मैं वैसा देख लूं, उसके आधार पर मेरा जीना हो जाए, मेरा विचार, व्यवहार, कार्य, भागीदारी सब मेरे स्वभाव के अनुसार हो जाए, सब निश्चित हो जाए, ये मेरे आचरण की पूर्णता है, यही विकास है। इसमें आप पाएंगे कोई चक्रियता नहीं है, ऐसा नहीं कि ज्ञान हो गया फिर हम वापस वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किए थे। ये भी एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है ना, कि ज्ञान पूरा होने के बाद हम निरंतर सुख की स्थिति में आ गए और एक इकाई के रूप में बने रहे। ऐसा नहीं कि मेरा विघटन हो गया कि मैं दो भाग में फिर से बट गया, मैं दो भाग में बट गया, ऐसा कुछ नहीं है ना, मैं एक इकाई के रूप में बना रहता हूँ, निरंतर सुख की स्थिति में रहता हूँ, ये विकास है मेरा। इधर की इकाइयों को देखें, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, तो यहाँ पे विकास नहीं है क्योंकि चक्रियता है। एक छोटे से पीपल के बीज से बड़ा सा पीपल का पेड़ तैयार हुआ, 100 साल तक खड़ा रहा, तो गिर गया, गिर के वापस मिट्टी मिल गया, चक्रिय है। हमने एक ऊंचा सा टावर बनाया बहुत मेहनत से, भूकंप आ गया है ना 8 रिक्टर स्केल पे, टावर गिर गया, वापस तो मिट्टी मिल गया, इसमें चक्रियता है कि नहीं? तो पदार्थावस्था को देखें तो वहां भी चक्रियता है, प्राणावस्था को देखें तो वहां भी चक्रियता है, और पदार्थ और प्राणावस्था के बीच देखें तो वहां भी चक्रियता है। मेरे अंदर जो काम हो रहा है ज्ञान का, इसमें कोई चक्रियता नहीं है। ऐसा नहीं कि फिर से मैं भूल जाऊंगा सब कुछ, नहीं, एक बार देख लिया, जान लिया, वो बना रहेगा, वो मेरे ज्ञान के रूप में, मेरे संस्कार के रूप में बना रहेगा। इसलिए ये जो पूरी बात सामने है ना, उसको देखें तो उसका सार ये है कि मुझे पूरी बात दिख जाए, ताकि मेरे अंदर ज्ञान की पूर्णता हो जाए, जिससे आचरण की पूर्णता हो जाए, और यही मेरी मौलिक आवश्यकता है, इसी से मैं सुखी होता हूँ। पदार्थावस्था को भोग कर, प्राणावस्था को भोग कर, जीवावस्था को भोग कर है ना, मैं सुखी नहीं होता। मैं शरीर से कुछ भी भोग कर जो भी उपलब्धि होती है मेरी, उसमें सामयिकता है, उससे मैं सुखी नहीं होता, निरंतर सुखी नहीं होता। सामयिक रूप से आराम पाता हूँ, परंतु उसमें निरंतरता नहीं होती। निरंतरता तभी हो पाती है जब इस संपूर्णता को मैं देख पाता हूँ। ये बात को लेकर यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। नमस्ते सर। जी नमस्ते सर। डे फर्स्ट से और आज तक जो मेरे को समझ आया है, तो समझ में ये आ रहा है कि मैं और बॉडी में जो को एग्जिस्टेंस है, उसमें हम बॉडी को बनाए रखने के लिए बहुत सारा प्रयास कर रहे और उस व्यवस्था को बनाए रख रहे। पता भी है कि हमें एक परोठे से काम चल जाएगा, फिर भी हम टेस्ट की वजह से ठूसी जा रहे और बॉडी का बुरा हाल कर ही जा रहे। ये ज्ञान, मतलब कि अगर हमें ये ज्ञान भी है, ये भी तो एक ज्ञान के ऊपर ही बेस्ड है। तो यहाँ पर अगर कैलोरीज का प्रॉपर पता चल जाए तो हम उसी हिसाब से अपने, जैसे प्रकृति में पशु और जीव जंतु है, वो अपने, उनका को एग्जिस्टेंस नेचुरल बना हुआ है, और ह्यूमन में कॉन्शियस होते हुए भी वो अपने आप में मैं और सेल्फ में कॉन्शियस नहीं बना पा रहा। तो उसमें ऐसा लग रहा है कि कई हम लोगों में उस चीज की ज्ञान की, ज्ञान लेना जरूरी है कि एक्सरसाइज भी करनी है, योगा भी जरूरी है, ये चीज भी जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को मैं और सेल्फ में को एग्जिस्ट बनाए रखना भी, उसका ज्ञान होना भी, प्रकृति के साथ को एग्जिस्टेंस होना भी, दोनों चीजें जरूरी है। सर सही बोला जी, बट इसमें थोड़ा सा ये बात है कि कैलोरी का पता लग जाने से हमारा भोजन नियंत्रित नहीं होगा, वो तो इस बात से नियंत्रित होगा कि मैं स्वाद के रूप में, स्वाद के अर्थ में भोजन ले रहा हूँ या स्वास्थ्य के अर्थ में,
जी अगर ये भी निश्चित हो जाएगी स्वास्थ्य के अर्थ में, तो ये भी निश्चित करना चाहिए कि स्वास्थ्य के अर्थ में क्यों भोजन लेना है, स्वास्थ्य क्यों चाहिए, है ना। तो कई बार और ये ये पता भी नहीं होता है कि क्वेश्चन स्वास्थ्य के अर्थ में नहीं है, स्वाद के अर्थ में है, बट स्वास्थ्य भी क्यों चाहिए, है ना, ये निश्चित नहीं है। तो फिर ये जानकारी होने के बावजूद हम स्वाद के अर्थ में भोजन लेते रहते हैं। तो उसके साथ कोएग्जिस्टेंस के साथ हमें और चीजों का ज्ञान भी होना जरूरी है कि हमें सेल्फ को भी, मैं को भी कितना डेवलप करना साथ साथ। हाँ, तो मैं को डेवलप करना ही है, क्योंकि मैं के डेवलपमेंट से ही मेरा सुख है, मैं के हाँ जी डेवलपमेंट से ही शरीर के साथ संबंध की स्पष्टता है कि शरीर के साथ मेरा संबंध किस प्रकार है ना। ये शरीर साधन है या साध्य है, शरीर को कितना खिलाना पिलाना है, क्यों खिलाना पिलाना है, कैसे खिलाना पिलाना है, ये सारा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान के जीते हैं। अगर हमको दिख जी जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर शरीर के लिए निश्चित कारका बना पाता हूँ, उसके पोषण के अर्थ में, संरक्षण के अर्थ में, सदुपयोग के अर्थ में। अन्यथा अपने आप को शरीर मानकर मैं दुख भोगता रहता हूँ और सुविधाओं का दुरुपयोग करता रहता हूँ। और सेल्फ को मैं डेवलप नहीं कर पाता, जबकि काम तो जी हमें अपनी आई को, सेल्फ को बढ़ाने का, कॉन्शियस को बढ़ाने का, वो ज्यादा जी जरूरी है। बॉडी के डेवलपमेंट से, अदर अदर से, अगर हमें अपने बॉडी और आई का को एग्जिस्टेंस और सही डेवलपमेंट हो सके, बॉडी से ज्यादा हमें कॉन्शियस को डेवलप करना। बॉडी को कोई डेवलप नहीं करना है, बॉडी का ध्यान रखना है, अच्छा, बॉडी का बॉडी के ओनली केयर पोषण, करना। बॉडी के पोषण का ध्यान रखना है, संरक्षण का ध्यान रखना है, सदुपयोग का ध्यान रखना है, ताकि बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करे। डेवलप तो सेल्फ को करना है। डेवलप सेल्फ को करना है, ठीक है, जी राइट सर। थैंक यू सर। बढ़िया दीदी। जी एक प्रश्न था कि जैसे हम देखते हैं कि चैतन्य इकाई जो है वो, प्रश्न तो पहले रखता हूं मैं कि चैतन्य इकाई जड़ इकाई के साथ सह अस्तित्व में क्यों बना, मतलब बनना चाहती है ये सह अस्तित्व, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं और यहाँ पहुंचते हैं कि हाँ अभी यहीं रोक लेते हैं भैया, जी जी जड़ इकाई में कोई चाहना नहीं है, नहीं, हाँ तो जड़ इकाई मैं के अस्तित्व में बनना चाहते ऐसा कुछ नहीं है। मैं चैतन्य इकाई बोल रहा हूँ, मतलब चैतन्य इकाई जड़ इकाई के साथ तह अस्तित्व में है, तो वो क्यों, आप बताइए, हमने शरीर लिया हुआ मतलब है ना, शरीर के साथ बने हुए, क्यों? हाँ वही, मतलब हम अगर अपने आप में जो नेचुरल एक्सेप्टेंस पे एक ये बनाना चाहते हैं, मतलब बनना चाहते हैं, नेचुरल एक्सेप्टेंस में है, हम सेंसेशन नहीं लेना चाहते, मतलब सेंसेशन से अपना सहज अवस्था नहीं चाहते हैं, तो फिर चैतन्य इकाई को शरीर की मतलब शरीर के साथ जुड़ने की क्यों आवश्यकता हुई। वही आप देखें ना, अभी अब हम लोग इस सहस्तित्व की बात कर रहे हैं। सह अस्तित्व मतलब सह अस्तित्व के लिए ही ये है क्या, क्योंकि इकाइयां है मौजूद, जड़ इकाइयां भी है, चैतन्य इकाइयां भी है, तो वो सह अस्तित्व के ज्ञान होने के लिए फिर अभी रुकिए, मतलब रिस्पॉन्ड करूँ, मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। जी तो ये भैया सारा सूचना तो आपको शरीर के माध्यम से मिला ना, अगर शरीर नहीं होता साथ में तो सूचना कैसे मिलती है आपको? सहज सहज स्वीकृति जैसी भी कोई चीज है ना, सहस्तित्व है, व्यवस्था है, संबंध है, ठीक। फिर ये सारा जो हम बाहर से सूचना ले रहे हैं, इसके आधार पर हम विचार कर पा रहे हैं, उस विचार से हम फिर आगे बढ़कर चित्रण कर पा रहे हैं, संबंध का, व्यवस्था का, सहस्तित्व का, ये सब भी नहीं कर पाते। तो ज्ञान के लिए शरीर की आवश्यकता है, बिना शरीर के आपस में संवाद कैसे होगा, स्वयं में जांचना परखना कैसे होगा, जब सामने से प्रस्ताव ही नहीं मिल रहा है, जी कर देखना कैसे होगा शरीर के साथ, उसके लिए शरीर की एक आवश्यकता है ना। अभी मैं इतना विकसित नहीं है कि वो हाँ स्वयं से ही सारी चीजों को देख समझ ले। जी 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 जी
अभी देखिए ना, अभी इनकी बात हो रही है तब जाकर इतने सारे प्रश्न बन रहे हैं, सुनने को क्यों देते हैं। अभी ये भी नहीं क्लियर हो, नहीं ठीक बात है, ये जेन्युइन प्रश्न है ना, जी संबंध को क्यों समझो ना, सुविधा की आवश्यकता किस प्रकार है। तो अभी ये सब जेन्युइन प्रश्न है, ये सब सिर्फ कृष्ण भैया का प्रश्न है, हम सबके अंदर हो सकता है क्यों समझे इसको। तो अभी शरीर साथ है तब भी हमको अभी इसका महत्व नहीं दिख रहा, शरीर साथ न हो तो और नहीं दिखेगा। अभी तो हम इतना मूल्यांकन कर पाए, सजग हो पाए, जांच परख कर पाए, तब जाकर यहाँ पहुंचे, कम से कम शून्य की बात कर पा रहे। नहीं तो अगर मैं की स्थिति होती तो संवेदनाओं से ही कुछ सुखी होने की आशा बनी रहती और फिर उसके लिए शरीर की ललक रहती, ज्ञान पे ध्यान नहीं जाता। तो शरीर की एक आवश्यकता तो है ना साधन रूप में, ताकि हमारे में ज्ञान समाधान पूरा हो जाए। जी भैया, मगर इसमें मतलब शरीर है इसके वजह से ये सेंसेशन आ गया, उसके वजह से उसमें उससे सुख लेने की इच्छा आ गई। वही तो, हम शरीर लिए साधन के रूप में किस बात के लिए, ताकि ज्ञान पूरा हो जाए, अल्टीमेटली देखे तो सुखी हो जाए, क्योंकि हम अपने आप में आराम में नहीं थे। जैसे अभी आप देखिए कि आप अपने साथ बैठिए 2 दिन कमरे में, ठीक है ना, फिर से कोई काम मत लीजिए, देखिए अपने आप में आराम है कि नहीं। तो नहीं है, हम तुरंत दौड़ते हैं कुछ करने के लिए, कोई संवेदना पाने के लिए, कुछ करने के लिए, है ना, क्योंकि अपने आप में आराम नहीं है। तो बिना शरीर के वो सारा अपना स्थिति बना हुआ है, तो अपने में भगदड़ बनी हुई है, अतृप्ति बनी हुई है, शंका भय विरोध प्रतिशोध सब बना हुआ है। अब उससे निकले कैसे, तो उससे निकलने के लिए या कम से कम आराम पाने के लिए शरीर की आवश्यकता है, शरीर देते हैं। बट जब शरीर लिया तो शरीर को अपने बराबर ही, अपने जैसा ही देख लिया कि मैं शरीर हूँ, इक्वेट कर लिया। अब जैसे ही इक्वेट किया तो जो शरीर से सूचना आ रही है ना, उसी सूचना में लिप्त हो गए, इसी से सुखी हो जाएंगे। अब जब प्रस्ताव मिला, ध्यान गया, जांचा परखा, तब आगे ध्यान गया, उस पर भी ध्यान कहाँ एक बार में जा रहा है, हम सबका ही। अभी बार बार ध्यान देते हैं तो लगता है कि हाँ इस पर ध्यान देंगे तो कुछ समझ में आएगा, इस पर ध्यान देंगे तो हाँ यहाँ समाधान होंगे, उसमें भी जितने भर से काम चल जाता है चलाते रहते हैं। अभी हम सब भी अगर देखें तो जितने भर से काम चल जाता है चलाते हैं, फिर आगे जब जिज्ञासा बनती है तो फिर हम उसके ऊपर काम करते हैं। काम नहीं चल रहा होता है तो फिर हमारी जिज्ञासा बनती है, काम चल रहा होता है जिज्ञासा हम छोड़ देते हैं वहां पर। जैसे है ना, हम सुबह उठे, आँख खुली, उठ के बैठे, अपने दिनचर्या में लग गए, काम चल गया। अब अपने अंदर प्रश्न बन सकता था कि ये शरीर उठा कैसे, जब शरीर सो रहा था तो मैं क्या कर रहा था जी, अब उठा तो मैं क्या कर रहा हूँ, शरीर से मेरा जुड़ाव कहाँ है, जब शरीर सो रहा था तो मैं कहाँ था। अब ये प्रश्न बन सकते हैं अपने अंदर, अगर बनेंगे तो उठने के साथ इस पे लगेंगे कि पहले इसको समाधानित करो, पर काम चल जा रहा है तो हम चला रहे हैं कि नहीं। जी मतलब हमारा स्वयं की जो स्थिति है वो जब तक रियलाइजेशन तक पहुंची नहीं है, हमें शरीर की जरूरत है ही, मतलब ये समझने के लिए। तो वहां से हम को एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते भैया, ये था जो सेल्फ है, कॉन्शियस यूनिट जो है, वो सेल्फ एक ही यूनिट है कि अलग अलग तरीके की यूनिट है, कि मतलब जैसे जानवर के साथ जो एसोसिएट हो रही, जो एनिमल ऑर्डर बना रही, वो सेल्फ अलग है, जो ह्यूमन के साथ एसोसिएट हो रही वो सेल्फ अदर अलग है, या इसका जो डेवलपमेंट है जो जानवर के साथ हो रही है उस सेल्फ में केवल क्या कहते हैं सिलेक्शन और टेस्टिंग तक ही एक्टिविटी है, बाकी एक्टिविटी अभी उसमें हाइड हुई है, और जब वो डेवलप हो जाती है तो वो ह्यूमन ऑर्डर के और डेवलप होके ह्यूमन ऑर्डर के पास जा सकती है, इस तरीके का एक क्वेश्चन सर बन रहा है। तो सेल्फ तो वही है, डेवलपमेंट का लेवल अलग अलग है, तो कोई अभी सिर्फ एक्सपेक्टेशन तक डेवलप है, कोई थॉट तक डेवलप है, कोई डिजायर तक डेवलप है ना। उसी में अगर हम आगे काम करें ब्लॉक D1 में तो हम रियलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग तक भी डेवलप हो जाते हैं। जी सर, लेकिन इसका मतलब सेल्फ तो पहले से ही बना हुआ था, व्यवस्था में तो पहले से ही था। समझा लीजिए, व्यवस्था में था, व्यवस्था में तो डेवलपमेंट, तो जैसे कोई चीज बनी तो उस हिसाब से तो
पहले उसमें केवल सिलेक्टिंग और टेस्टिंग ही रही होगी, केवल जो ह्यूमन ऑर्डर से सॉरी एनिमल ऑर्डर से एसोसिएट हो रही होगी लगातार जी, और फिर आगे डेवलपमेंट में उसे और जो जिज्ञासा जागी तो उस हिसाब से जो डेवलपमेंट हुआ तो वो ह्यूमन ऑर्डर के लिए जो शरीर भी उस तरीके का डेवलप हुआ, उस तरीके से उसमें एसोसिएट होकर ज्यादा समझने की जो योग्यता थी वो बन पाई, ऐसा है भैया? हाँ, तो अभी हम कहाँ तक डेवलप्ड है वो देखने की बात है कि हम ब्लॉक B2 में भी कहाँ तक डेवलप्ड है। जहां तक डेवलप्ड है उतने तक का हमको सुख मिल रहा है, उससे आगे का हमारे अंदर रहस्य बना हुआ है, जानना शेष है, तो उसके लिए काम कर रहे हैं जी भैया। नहीं सर, मतलब भैया ये मेरा कहने का मतलब है कि जब भी मतलब प्रकृति आई, एग्जिस्टेंस हुई, तो उस एग्जिस्टेंस में जो भी सेल्फ थे वो सेल्फ भी अभी भी लगातार नए नए सेल्फ बन रहे हैं, क्या सेल्फ कॉन्टिन्यूस है वो बना हुआ, जितने बने हुए थे वही चल रहे हैं उसमें, स्टार्टिंग से जो क्या कहते हैं एनिमल ऑर्डर से डेवलप हो के फिर वो ह्यूमन ऑर्डर तक आए, इस तरीके का कुछ, या मैं क्वेश्चन को वैसे मानव में भी देखे तो कुछ मैं का सेल्फ कम डेवलप्ड है कुछ मानव का सेल्फ ज्यादा डेवलप्ड है जी। ठीक, जिनका पूर्ण रूप से डेवलप्ड है उनके प्रति श्रद्धा का भाव होता है जी, तो यहाँ भी एक वेरिएशन दिखाई देगा। तो अल्टीमेटली मुद्दा जो है पूरे प्रकृति में, पूरे अस्तित्व में सेल्फ डेवलपमेंट का है जी, बाकी सारी प्रकृति में कोई डेवलपमेंट नहीं है, जो चैतन्य का है उसमें ही डेवलपमेंट है, वो पशु के रहते हुए भी है, मानव के होते हुए भी है ना, तो सेल्फ का डेवलपमेंट का प्रोसेस है। जैसे आप पाएंगे कि जो पशु मानव के साथ रहने लगते हैं उनका सेल्फ धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, जो पशु परिवार में रहते हैं उनका सेल्फ भी डेवलप लगता है, बट जो पशु सिर्फ शरीर चलाने में लिप्त है उसका सेल्फ नहीं या कम डेवलप होता है जी। जी सर, अभी भी मैं क्वेश्चन को सही से बता नहीं पाया हूँ, या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे प्रकृति में जैसे एक बीज डाला तो बीज डल के बनते जा रहे लगातार, अभी भी पेड़ पौधे जो है प्रकृति की अपनी व्यवस्था में बनते जा रहे हैं, तो ऐसे ही सेल्फ भी एक यूनिट है जो भी अपने आप कैसे बन रही लगातार के बहुत सारे बनते जा रहे सेल्फ, क्या इस तरीके से जैसे प्रकृति में बहुत सारे पेड़ पौधे अपने जी जी। तो देखिए इसको रिस्पॉन्ड करता हूँ, तो सेल्फ से सेल्फ पैदा हो रहे ऐसा तो नहीं है, जैसे हम अपने आप को देखें है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि हम टूट के दो सेल्फ बन जाएंगे, नहीं नहीं तो मेरा सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा उस पे, तो सेल्फ से सेल्फ पैदा हो रहे ऐसा नहीं है, ये तो हम अपने आप में जांच के देख सकते हैं। हाँ, ये संभावना जरूर है कि ये जो जड़ परमाणु है ना, इसमें कोई ऐसी घटना घटित हो जाए कि वो चैतन्य परमाणुओं में परिमार्जित हो जाए, चैतन्य परमाणु बन जाए है ना, कॉन्शस यूनिट बन जाए, सेल्फ बन जाए, ये संभावना तो है जी। जी तो मतलब इसी तरीके से इसका भी अभी हमें नहीं पता, लेकिन ऐसी कोई मतलब व्यवस्था में सेल्फ भी बन रहे होंगे तभी तो इतना इस तरीके से डेवलप हो रहे, फिर उसमें भी इच्छा डेवलपमेंट की यहाँ तक है कि वो ज्ञान अवस्था को प्राप्त करके अपनी रियलाइजेशन को कर पाए। जी जी जी, धन्यवाद भैया। बढ़िया बढ़िया भैया। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते सर। ये निरंतर और नित्य ये एक ही है, मतलब ऐसे मैं एक रिफ्लेक्शन ले रही हूँ जो मुझे समझा, आप बताइए मैं ठीक समझ पा रही हूँ या नहीं। सो जब ज्ञान में निरंतरता आए या फिर हम जब सेल्फ ज्ञान में ही हो तो जाके मतलब हायर लेवल तो जाके निरंतर सुख की प्राप्त हो सकती है जो हम चाहते हैं कि कंटिन्यूटी इन हैप्पीनेस। तो अभी उस चीज को पाने के लिए जो हम एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके लिए हम बॉडी का मटेरियल का यूज कर रहे हैं जो 5 इंद्रिय अपने सेंसेस है, पर हमें ये समझना है कि ये इंस्ट्रूमेंट ही है, कभी ना कभी अभी इसे भी छोड़ना होगा। तो फिर बॉडी की जो डिपेंडेंस, बॉडी पे जो हम डिपेंडेंस है 5 इंद्रियों के लिए
ज्ञान होने की जरूरत पे, तो डिपेंडेंसी जहां आई वहां परतंत्रता आ गई, मतलब पांच इंद्रियों के अधीन। जी डिपेंडेंट ना सदुपयोग करें, इंद्रियों का हम सदुपयोग करेंगे, जैसे अभी हम इंद्रियों का सदुपयोग कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैं कान से सुन रहा हूँ, है ना, मैं बोल रहा हूँ आप कान से सुन रहे हैं, इंद्रियों का सदुपयोग हो रहा है, तो साधन का सदुपयोग हो रहा है, शरीर मेरा साधन है, ठीक, तो इससे मुझे सही प्रस्ताव मिल रहा है जिसको मैं जांच परख पा रहा हूँ और उस समय मैं जी कर देख रहा हूँ, जांच के देख रहा हूँ, ठीक, तो उससे मुझे ज्ञान सुरक्षित हो रहा है, इसका सदुपयोग हुआ। जी कान से कोई म्यूजिक सुनकर हम सुखी होने में लग जाए, नहीं नहीं वो तो फिर एनस्लेवमेंट आ गया। पर मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे ये सुनना है, अच्छा सदुपयोग करने के लिए ही, पर फिर उसका मुझे नरिश भी तो करना पड़ेगा, बॉडी को मेंटेन रखना पड़ेगा, मतलब वही किसी एनस्लेवमेंट, मतलब किसी के अंडर काम कर रहे हैं, भले ही उसका सदुपयोग करने की वजह से, पर सदुपयोग की वजह से नहीं है, जो सुख का स्रोत नहीं उसको सुख का स्रोत बना दिया, ये एनस्लेवमेंट है। एनस्लेवमेंट परतंत्रता का मतलब क्या है कि जो सुख का स्रोत नहीं है उसको सुख का स्रोत मान लिया हमने, तो जो बाहर है पर है दूसरा है उसके उससे तंत्रित हो गए, वो हमको चलाने लगा, तो कोई मान्यता हमको बाहर से मिली वो हमको चलाने लगी, कोई संवेदना बाहर से मिली वो हमको चलाने लगी, तो हम परतंत्र हो गए, हमारे अंदर ज्ञान समाधान सुनिश्चित हो गया तो स्वतंत्र हो गए, इतना ही है। अच्छा तो वो कितने, मतलब इसे लगता है अच्छा निरंतर सुख होगा जो हो जाता होगा जब, मतलब दुख तो तब है जब तक ये साइकिल जो चक्र है चल रहा है, पूर्ण ज्ञान जब हो जाए तो ये साइकिल भी छूट जाए। अभी साइकिल भी नहीं है, रुकिए, तो हम शरीर ले रहे हैं है ना, और धीरे धीरे अपना विकास कर रहे हैं, तो मैं में कोई साइकिल नहीं है, ये है कि है ना बार बार शरीर ले रहे हैं, हाँ बार बार शरीर लेने की साइकिल छूट जाए ये मैं, तो वही उसको साइकिल कहें, तो जन्म और मरण के लिए देखें तो साइकिल है, बार बार शरीर ले रहे हैं, एक समय पे काम पूरा हो गया जी, तो जब तक ये रियलाइज, हाँ जब तक रियलाइजेशन ना हो जाए तो एग्जिस्टेंस का अस्तित्व का, तब तक ये परतंत्रता बनी रहती है हमारे ऊपर, इनफैक्ट ये भी एक परतंत्रता है कि शरीर लेने की परतंत्रता, क्योंकि हाँ। तो अभी ज्ञान पूरा नहीं हुआ है तो शरीर लेने को बाध्य है, तो शरीर भी तो मुझसे बाहर है, तो अभी ये भी एक परतंत्रता है अगर उसको बारीकी से देखें। जी जी वही वही, वही। जी जी तो ये, और अभी जो ये बताया एक भैया जी बात कर रहे थे सेल्फ बनाने की, तो मुझे ऐसे लगता है कि जितने सेल्फ है वो है कंटिन्यूटी, सेल्फ बॉडी मतलब जो पदार्थ है जड़ है उसमें क्षमता आ जाए और वो सेल्फ बन जाए ऐसे नहीं लगता है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर हम ये भी बोलना चाहिए कि अभी बॉडी में भी वो सब है ज्ञान, पर उसमें अभी पोटेंशियल है, पर हम समझते हैं बॉडी मतलब दिस जड़ ये नॉन, मतलब जड़ है ये सेल्फ नहीं है, हम जब ये डिस्टिंग्विश कर रहे हैं तो हम आगे जाके ये कैसे बोलेंगे कि ये भी कन्वर्ट हो सकता है बॉडी मतलब मटेरियल जड़। अभी देखिए अभी क्या है, ये लगने वाले डोमेन में ना तो बहुत सारा कुछ और लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है, तब इसको ओपन रख देते छोड़ देते है ना, अभी जो देखिए जो सेल्फ है उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि एक प्रश्न आया कि है ना कैसे सेल्फ की संख्या बढ़ सकती है क्या, तो मैंने बताया ये संभावना है। हाँ क्योंकि अगर ये प्रश्न है तो फिर सेल्फ भी जड़ बन सकता होगा, ऐसे भी हो सकता है। अभी उल्टा सीधा ना करें, अभी ये तो कहीं से निकल के लिया है कि सेल्फ जड़ बन जाएगा, ठीक, इतनी संभावना जरूर है कि सेल्फ अगर बढ़ रहा है तो एक संभावना है कि जड़ परमाणु से चैतन्य परमाणु तैयार हो रहे हैं, ये संभावना तो है जी। ठीक है तो इसमें एक्सप्लोर करने की जरूरत है, अभी तो नहीं समझ रहा है। ठीक है थैंक यू भैया जी। बढ़िया दीदी, नमस्ते भैया जी। नमस्ते, मेरे दो क्वेश्चंस हैं, एक तो जैसे हम आपने बोला हमें ज्ञान की जरूरत होती है, मतलब क्रियोसिटी हमारे अंदर रहती है किसी ना किसी चीज की, तो क्रिएटिविटी भी हमारे नेचर में होती है, मतलब जैसे हमें रहता है कि कुछ ना कुछ हम करते रहें या कुछ ना कोई सिंपल चीज पे तो उसमें क्रिएटिविटी कुछ डिजाइनिंग ऐसे एडिशन करते ही रहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे यहाँ पे हम डायग्राम में देखते हैं कि ह्यूमन ऑर्डर में जैसे अंडरस्टैंडिंग है
डेवलपमेंट है उसके अंदर जितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो रही है वो लीनियर है. तो अगर हम अपने जैसे इंडिया में ही हमें बताते हैं कि हम देखते हैं कि इतने हजारों साल पहले भी जो मंदिर बने वो उसका आर्किटेक्चर देखते हैं तो वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, या जो हम आयुर्वेदा है वो बॉडी को समझ के हार्मनी में रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो सब उसमें मेंशन्ड है. तो इतने साल पहले भी जो लोग थे उनमें समझ थी, तो फिर वो डिक्लाइन क्यों हो गई टाइम के साथ, मतलब वो समझ तो बनी क्यों नहीं रही? देखिए तो क्या होता है ना कि किसी एक व्यक्ति को अनुभव हुआ, ज्ञान तक पहुंचे, है ना, बट बाकी लोग अभी उतनी निष्ठा से नहीं लगे तो उसकी परंपरा नहीं बनी. अभी भी आप देखें तो अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, परंतु इसकी संभावना है भी कि हम ब्लॉक जीवन में जागृत हो जाए, ये भी है कि नहीं जागृत हो पाए. अभी हमारी प्रायोरिटीज अलग हो, तो कोई एक चैतन्य इकाई हो सकती है जिसके अंदर इतनी जिज्ञासा बढ़ गई कि उसने अस्तित्व को देख लिया, ये संभावना तो है, है ना, बट बाकी लोगों में जिज्ञासा नहीं है. तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो फिर परंपरा नहीं बन पाई. अब ये भी दिख रहा है अपने को कि अनुभव तक पहुंचने में समय लगता है, हमारा बहुत सारा पुराना संस्कार है जो सहयोग करता है. अभी प्रयास ये हो रहा है कि हमारा जैसा भी संस्कार हो शिक्षा विधि से हम इसको अपने आप में देख पाए, क्योंकि तो अभी देखें तो संस्कार भी हो सकता अनुकूल नहीं हो, वातावरण भी अनुकूल नहीं है, फिर करे क्या. तो अगर किन्हीं को ज्ञान हुआ, परंपरा में कई लोगों को ज्ञान हुआ, ऐसा भी हो सकता है, तो हमारे को कैसे उपलब्ध हो जाए शिक्षा विधि द्वारा, नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी दो पीढ़ी में फिर वो कहीं का कहीं पहुंच जाएंगे कि नहीं. उसमें खास तौर पे आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो हम शरीर चला रहे होते हैं तो शरीर के लिए आवश्यक सुविधा जुटानी होती है, और उसी से फिर हम भटक जाते हैं. आवश्यक सुविधा कितनी चाहिए वो पहचानते नहीं है तो संग्रह में लग जाते हैं, सुविधा से सम्मान पाने जाते हैं तो फिर वहां फंस जाते हैं, तो ऐसे हम उलझ जाते हैं. तो जिसके अंदर जिज्ञासा पुष्ट हुई उसको ज्ञान हुआ, औरों के अंदर जिज्ञासा पुष्ट नहीं हुई ज्ञान नहीं हुआ. अभी हम सबके अंदर भी कितने जिज्ञासा पुष्ट हुई है वो आकलन का मुद्दा है, प्रस्ताव हमारे सामने है ना. तो हम अभी अपने अंदर कितनी जिज्ञासा देख पाते हैं, अस्तित्व को देखने की, व्यवस्था को देखने की, संबंध को देखने की, तय करने का मुद्दा है. अभी काम चल जा रहा है तो चल जा रहा है ना, अभी बाद में लगता है कि नहीं चलेगा. तो अगर हमारे अंदर ये मौलिक प्रश्न तैयार हो जाए कि जो वस्तु जैसी है वैसी क्यों है, और लगे कि इसको समझे बगैर ज्ञान नहीं होगा, इसको समझे बगैर सुख नहीं होगा, तो लग जाएंगे उसमें, शोध करेंगे. फिर जो बाकी सब प्रायोरिटीज हमारी बनी हुई है ना, शरीर, जॉब, करियर, प्रमोशन, है ना, घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती, वो नीचे हो जाएगा. ये प्रश्न का उत्तर लेना ही सर्वोपरि हो जाएगा. अभी सर्वोपरि नहीं है, अभी ये सब हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है. कभी बैठते हैं ध्यान देते हैं तो इस पर ध्यान जाता है, फिर बाद में ध्यान से ओझल हो जाता है, चलता काम तो चल ही रहा है कि नहीं. कई बार हमारे अंदर भय भी पैदा होता है कि ऐसा ना ज्ञान में लगे तो ये जो थोड़ा बहुत सुख मिल रहा है ये भी ना रहे, ये भी एक भय है. अच्छा खासा जॉब भी चला जाए, करियर भी डूब जाए, है ना, परिवार वाले भी नमस्ते कर दें कि तुम बेकार काम में लगे हो, ठीक, तो हमारे अंदर भय भी रहता है. तो जिज्ञासा भी इतनी पुष्टि हुई रहती है और बहुत सारी चीजों का भय भी रहता है, ऐसा ना शरीर ही चला जाए, स्वयं को देखते हुए शरीर ही ना चला जाए, शून्य को देखते हुए पता चला कि, है ना, स्वास्थ्य बिगड़ गया, मेधस ही खराब हो गया, तो हम रुक जाते हैं कि नहीं. हाँ जी, बोलते हैं कि ज्यादा भी मतलब ज्ञान लो कोई पागल मत हो जाना. हाँ, तो अभी हमारे अंदर वो घर कर जाता है कि हाँ हम भी ऐसे ही मान लेते हैं. जी बढ़िया, और भी कुछ हैंड्स रेज है? जी भैया जी, नमस्ते सभी को, थैंक यू. मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, मेरे से रेज हैंड नहीं होता इसलिए फिर. भैया बहुत बहुत बढ़िया चल रहा, मैं एक दो ही मिनट लूंगा, लेकिन मेरे ही टॉपिक पे आ गए. तो जो हम बॉडी और सेल्फ पे जरा मेरा ज्यादा ध्यान जाता है, तो मेरा एक ही सिंपल क्वेश्चन है, ये अपन कल कंटिन्यू करेंगे, कि पहले सेल्फ की पहले बॉडी. भैया देखिए, पहले का मतलब क्या, टाइम में पहले नहीं, हाँ नेचर में जो एग्जिस्टेंस हुआ तो पहले बॉडी हुई कि पहले सेल्फ हुआ, हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं ना सभी, इसके पहले भैया दीदी सभी. बहुत सिंपल है ना, हाँ, जैसे आप जंगल में देखिए
तो मानव भले ना पहुंचाओ, पेड़ पौधे तो है जी भैया, है ना, कीड़े मकोड़े हैं जी भैया, उसी में एक अनुकूलता बन सकती है कि पशु पक्षी तैयार हो जाए जी भैया, है ना। तो पशु का शरीर हुआ, उसमें हाँ। अगर मेधा कितना विकसित हो गया कि मैं उसको चला सकता है, हाँ हाँ, तो मैं उसको चलाएगा, हाँ। तो इस प्रकार से है ये मैं जो है, ये तो एनिमल में भी है ना, पशु पक्षी या जो भी है उनमें हाँ। मैं है कि नहीं जी। तो फिर ये मैं पहले आया कि बॉडी पहले आई? नहीं, मैं उसकी एनिमल की भी बॉडी, जैसे अपने आप को देखे आप, है ना, हाँ, जी भैया, इसी पॉइंट पे है ना, जब गर्भ में थे तो हमारा शरीर का भ्रूण पैदा हुआ, और एक अवस्था ऐसी बनी कि हमारा मेधस इतना विकसित हुआ कि एक मैं उसके साथ कोएग्जिस्ट कर सकता है जी भैया। तो आप पहले से ही थे, इस शरीर का जब इतना ग्रोथ हो गया कि आप कोएग्जिस्ट कर सके तो आप कोएग्जिस्ट करने लगे, तो आप पहले से ही थे, शरीर के साथ कोएग्जिस्ट करने लगे, फिर शरीर नहीं भी रहेगा तो आप बने रहेंगे। हाँ, तो यही इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन आए थे कि सेल्फ ज्यादा ज्यादा पैदा होते हैं क्या, इसके पहले निरंतर प्रश्न एक दो हुए हैं। अभी ये सब फिर वही चला जाए कि मुझे ऐसा लगता है कि वैसा लगता है, उस पर नहीं जाए। हाँ, अभी हाँ। तो सेल्फ का डेवलपमेंट होना है, जो सामने डायग्राम है ना, जी भैया, उस पर अपने काम करना है जी भैया, सेल्फ का डेवलपमेंट कैसे हो। हाँ हाँ, तो मेरा यही अभी जानना हो गया आपकी तरफ से कि एनिमल में भी सेल्फ है और ह्यूमन में भी सेल्फ है, और थोड़ा सा मैं ये भी मानता हूँ कि ह्यूमन में भी थोड़े से एनिमल क्या बोलते हैं सेल्फ है। एनिमल कॉन्शसनेस उसी को तो कह रहे हैं, जीव चेतना। कुछ लोगों को दूध क्या पिला है कि सीधे सीधे है ना पशु का शरीर ही चला के आए हैं। रियली भैया जी नमस्ते, बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, मैं अपने कॉलेज में भी डिस्कस करता हूँ सभी कलीग से कि सवेरे जुड़ जाए तो बहुत बहुत आनंद ले सकते हैं। जी भैया नमस्ते, धन्यवाद, धन्यवाद भैया। समय भी हो चला है और भैया आज यही पे हम लोग रुक सकते हैं क्या? रोक लेते हैं जी, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते, नमस्ते। असाइनमेंट के रूप में है ना इस चीज को हम देखें, जितनी आज चर्चा हुई इसके आधार पर हम लोग अपने आप में जांच परख करें जी। बढ़िया जी, सभी को नमस्ते, नमस्ते सर।